न्यूज आ रही है भावना, इस वक्त गैंगस्टर गढ़चोड़ मामले में छापा पड़ा है एनआईए का। देश भर में ये छापेमारी कार्यक्रम है, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड में ये छापेमारी की कार्रवाई हुई है। एनआईए की देश भर में छापामारी कार्रवाई जारी है, गैंगस्टर आतंकी गढ़चोड़ मामले में एनआईए की ये छापेमारी कार्रवाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, तो एनआईए के कई जगहों पर छापेमारी चल रही है, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इसी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, जिसमें गैंगस्टर गठजोड़ मामले में छापे लगे हैं देश के कई राज्यों में, एनआईए की छापेमारी हुई है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश भर में जो है गैंगस्टर मामले में, और जिस तरह से अवैध तमाम अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है, और गैंगस्टर्स की जो कमर एक तरह से तोड़ने की बात होती है उसको तोड़ने का काम किया है। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, क्या कुछ है ताजा अपडेट, ये जो एनआईए की छापेमारी कार्रवाई देश भर में जारी है? बिल्कुल, 5 राज्य हैं और 50 जगह छापेमारी की कार्रवाई एनआईए कर रही है, और एनआईए की ये कार्रवाई इससे पहले भी शैला हुई थी, और उस समय एनआईए को काफी मात्रा में कई ऐसी चीजें बरामद हुई थी जो ये बताता था कि ये गैंगस्टर और जो आतंकवादी हैं उनमें एक गठजोड़ है, और ये बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी में शामिल है, हथियारों की तस्करी में शामिल है, लोगों से जबरन उगाही कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। और इस गठजोड़ के 3 हिस्से हैं, एक तो खालिस्तानी आतंकवादी है, दूसरा हिस्सा है पाकिस्तानी आतंकवादियों का, और तीसरा है जो गैंगस्टर है जो भारत के अंदर सक्रिय है। होता क्या है कि खालिस्तानी आतंकवादियों को पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं, उनको ड्रग्स दे रहे हैं, उन तक हथियार पहुंचा रहे हैं, और उन ड्रग्स और हथियारों का जो प्रयोग है जो खालिस्तानी आतंकवादी गैंगस्टरों के साथ गठजोड़ करके उसको देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा रहे हैं, उस ड्रग्स को अलग अलग हिस्सों में पहुंचा रहे हैं। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है, 50 से ज्यादा लोकेशन पर जो एनआईए है वो छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, और एक तरह से कह सकते हैं कि इस गठजोड़ की कमर तोड़ने का प्रयास एनआईए कर रही है। जी नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते